की बात है कि अहमदाबाद देश ने देश के अहम शहर से कुछ गाड़ियाँ अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाए। जैसे हमारे सांसद जी डॉक्टर सोलंकी जी कह रहे थे कि सातवीं गाड़ी है जो हमने आज उसको हरा झंडा दिखाया है। देश में जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है, साथ साथ में लोग अपने उपजीविका के लिए, अपने कारोबार के लिए अलग अलग जगह पर स्थायी हो रहे, उसी वजह से यातायात में भी बहुत बड़ी पैमाने पे ज़्यादातर से मांग बढ़ रही है। लोगों को अपने परिवार को पीछे छोड़कर कुछ काम के लिए अलग अलग जगह में बसने की आवश्यकता भी बनती जा रही है। साथ साथ में ये भी सही है कि बहुत सारे लोग सिर्फ कारोबार के लिए नहीं, लेकिन साथ में और कुछ चीज़ों के लिए भी और कुछ वजह के लिए भी बहुत लंबे स्तर से सफर करने की शुरुआत करती है। वैसे देखा जाए तो हमारे देश के लिए खुशी की बात है, क्योंकि इसका मतलब यही है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ रेल की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जो मांग बढ़ रही है उसकी आपूर्ति करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर हमें काम करने की जरूरत है। और ये काम पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत होगी। आज हमारी रेल की व्यवस्था को आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। रेल व्यवस्था में और ज़्यादा पैमाने पर सुरक्षितता लाने की जरूरत है। हमारे रेल में सफर करने वाले जो लोग हैं उनकी सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है। और साथ साथ में आज बहुत अलग अलग वजह से लोगों को अपने स्थानीय समय पर पहुँचने के लिए जो देरी होती है उसमें भी सुधार लाने की जरूरत है। ये सभी चीज़ों की एक ही कोई इलाज होगा, तो एक इलाज ये है कि हमें ज़्यादा स्तर पर निवेश करके रेल की सुविधाओं को बढ़ाना होगा। इसलिए हमने ये तय किया है कि बड़े पैमाने पर रेल में निवेश जरूर किया जाए। रेल में निवेश करने के लिए सिर्फ रेल मंत्रालय नहीं, तो साथ साथ में हमने सभी राज्यों को भी हमारे साथ में जोड़ने का निर्णय किया है। और मुझे इस बात की खुशी है गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल जी ने इस बात को मान लिया और हमने गुजरात सरकार के साथ में बहुत ही जल्द एक साझी कंपनी बनाकर गुजरात में विकास करने के लिए रेल की जो आवश्यकता होगी उसको पूरी करने के लिए काम करेंगे। वैसे इसके बाद में मैं सम्मान मुख्यमंत्री जी को ही मिलने वाला हूँ और इस बात के ऊपर हम देखेंगे कि किस तरह से गुजरात में और बड़े पैमाने पर रेल और गुजरात गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम करके किस तरह से रेल को आगे ले जाते। आज हमने और एक सुविधाओं की शुरुआत की है जो है वाईफाई। मैं नहीं मानता हूँ कोई बड़ी सुविधा है, लेकिन ये हमारे लिए आवश्यक है कि किस तरह से आने वाले कम समय में वाईफाई यातायात करने वाले लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ बन गई। इसके लिए उसमें किस तरह से लाया जाए उसके ऊपर भी हम ध्यान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि रेल ने बड़े पैमाने पर रेल में निवेश किया। रेलटेल में निवेश करके हमने तो ऑप्टिक फाइबर केबल की एक बैकबोन बना दी, लेकिन उसका इस्तेमाल यदि नहीं करेंगे और लोगों को सुविधा देने का काम हम नहीं करेंगे तो मैं मानता हूँ हम हमारी जो व्यवस्था बनाई है उसको अच्छी तरह से लाइन नहीं दे पाए। और इसलिए काफ़ी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने काम करने की शुरुआत की है। मुझे पता है कि रेल की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है कि जिसके कारण जहाँ तक हो सके वो निवेश करने के लिए रेल ही अपने इंटरनल रिसोर्सेज से ये काम कर पाएगा। और इसलिए अलग अलग बिंदुओं पर ध्यान देते हुए देश के हित को नज़रअंदाज करते हुए हमारे काम करने वाले कर्मचारियों के हित की रक्षा करने के लिए साथ साथ में जो सफर करने वाले लोग हैं उनको भी और सुविधा देने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने की जरूरत होगी वो हमारी तरफ से उठाए जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए रेल तो सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया है कि यदि रेल ठीक हो जाएगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था और बड़े पैमाने पर बढ़ सकती है। और मुझे तो इस बात का दृढ़ विश्वास है कि यदि हम रेल को
देश बढ़ सकता है। देश बढ़ेगा तो देश में रहने वाले सभी लोगों की विकास की जो कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखी है वो भी आगे आ सकती है। और इसलिए सबको लेकर सबके साथ सबका विकास ये जो हमारा नारा है उसका पूरा करने के लिए रेल अपनी तरफ से पूरी तरह से योगदान देगी। रेल को साफ सुथरा रखने के लिए भी एक आवश्यकता है। स्वच्छ भारत अभियान मैं मानता हूँ हमारी देश की जो परंपरा है, हमारी देश की जो संस्कृति है, हमारी देश के लोगों की जो पुराने साल से आयोजित हजारों सालों से आयोजित पहचान है उसके साथ में जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा एक मिशन है। और उस सब पूरे करना मैं मानता हूँ सिर्फ सरकार का ही नहीं, सिर्फ राज्य सरकार या केंद्र सरकार का नहीं या म्यूनिसिपालिटी का नहीं, लेकिन देश में रहने वाले 125 नागरिकों का एक फर्ज और कर्तव्य बनता है। इसको निभाने के लिए जिस तरह से हम सब लोग मिलकर काम करेंगे उसमें रेल भी अपनी तरह से पूरा योगदान देगी। आज सौभाग्य से यहाँ पर हमारी मुख्यमंत्री हमारी मेयर महोदया भी उपस्थित है, मैं उनको विनती करूँगा कि आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और रेल साथ में मिलकर यदि एक अभियान चलाते हैं कि सिर्फ रेल स्टेशन को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं तो पूरे शहर को साफ रखना ये मैं मानता हूँ जैसे म्यूनिसिपालिटी की जिम्मेदारी है उसमें रेल भी अपना योगदान देगी। और इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जो कूड़ा कचरा है वो जो इकट्ठा किया जाता है तो उसको ठीक तरह से सेग्रीगेट किया जाए, डिग्रेडेबल रिसाइक्लेबल नॉन रिसाइक्लेबल उसको भी ठीक तरह से किया जाए, साथ साथ में उसका जब हम उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उसको भी किस तरह से डिस्पोज ऑफ करते हैं उसके ऊपर भी सोचेंगे। और मैं मानता हूँ आज कूड़ा कचरा हमारे सामने समस्या दिखती है लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे बहुत बड़े पैमाने बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। वो करने के लिए सिर्फ रेल में जो कूड़ा कचरा पुराने होगा लेकिन साथ में जब देखेंगे तो एक जो पूरा बड़े पैमाने पे क्रिटिकल मास बनेगा उसको भी हम ठीक तरह कर सकते हैं। और इसलिए रेल में सही माने में सुधार लाने की जरूरत सभी लोग मिलकर यदि करेंगे तो उससे बहुत बड़ा लाभ होगा। आज हम नेशनल स्टोर डिजाइन जो यहाँ की एक अहम संस्था है उसके साथ में बातचीत कर रहे हैं। हमारे मैकेनिकल जो पहले यहाँ के जनरल मैनेजर में रह चुके हैं उन्होंने आज ही उनसे बात करने की शुरुआत की है और हम देखेंगे कि किस तरह से जो कोच का इंटरनल डिजाइन है वो ऐसा बने कि जो यातायात करने वाली यात्री है उनके लिए सुविधा बने, सब लोगों के लिए खाने की समस्या खान पान की जो समस्या आती है वो दूर करने के लिए भी और कुछ कोशिश की जा रही है। और मैं मानता हूँ यदि हम हमारा पूरा फोकस इस बात के ऊपर रखें कि हमारे यातायात करने वाले यात्री सही मायने में सफर कर पाएंगे तो मुझे विश्वास है कि रेल को आगे आने में आने के लिए सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें आपका भी योगदान आने वाले दिनों में मिलेगा इस तरह से कि रेल की आर्थिक स्थिति भी सुधार सके। तो मैं मानता हूँ आप सबको मिलकर हमें ये काम करना है। आज बहुत अच्छे दिन पर हमने एक नई रेल की सुविधा जनता के सहायता के लिए शुरू की है लेकिन ये रेल और बढ़ाने के लिए रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा ताकि नई ट्रेन चल सके। नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और निवेश करने की आवश्यकता होगी, इसके लिए भी जो प्रयास हम सब मिलकर करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में रेल सिर्फ देश के लिए नहीं तो पूरे विश्व के लोगों को भी एक एहसास होगा कि भारतीय रेल एक विश्व की एक अहम संस्था है। वो बनाने के लिए जिम्मेदारी रेल में काम करने वाले लोग हमारे देश की जनता और सरकार साथ मिलकर करेंगे तो हमारी रेल एक बहुत बड़ी संस्था बन सकती है। उसके लिए मैं शुभकामना देता हूँ और आप सबको बधाई इस बात के लिए देता हूँ कि आज के बाद आप सफल करने के लिए पहले जो 5 खुली थी आज भी जो ट्रेन चलेगी और आगे आने वाले दिनों में भी और इस तरह की सुविधा देने की कोशिश हमारी तरफ से पूरी तरह से की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।